एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में जो पूछा गया है और पेपर कौन सा है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत एवं एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैंने इसका जो है लॉन्ग आंसर का मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख ले। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ दलित। दलित आप जानते हैं, इसको हिंदी में देखिए, दलितों की शैक्षिक परिस्थिति की व्याख्या कीजिए। शैक्षिक परिस्थिति क्या है दलितों की, क्या है एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसके, उसको बताना है। सबसे पहले तो आप ये बात जानते हैं कि दलित लोग किसको किसको दलित कहा जाता है, इसका किस तरीके से ड्राइव हुआ है, किस तरीके से ये आया है। सबसे पहले आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए। ये जो दलित वर्ड है ये कहां से निकल के आया है, संस्कृत के वर्ड से निकल के आया है, ये संस्कृत के वर्ड से निकल के आया है। और इस वर्ड को सबसे पहले ज्योतिबा राम फूले ने 8th सेंचुरी में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। किन्होंने? ज्योतिबा राम फूले ने। और कहां से निकल के आया है? ये निकल के आया है संस्कृत वर्ड से, ठीक है ना। तो अब ये जब निकल के आया है, तो अब ये निकला किस तरीके से है, दलित वर्ड किस तरीके से आया है। देखिए, ये जो है आपका एंशियंट इंडियन सोसाइटी, हम जब बात करते हैं एंशियंट इंडियन सोसाइटी यानी कि प्राचीन काल जो थे इंडियन सोसाइटी के, वो किस तरीके से बटे हुए थे, वो बहुत सारे भागों में बटे हुए थे, चाहे वो वर्क के बिहाव पर हो, चाहे वो जेनेटिक के बिहाव पर हो, लेकिन वो बटे हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ऊपर के दर्जे में किसको रखा जाता था, ब्राह्मण को रखा जाता था, उसके बाद क्या कहते हैं कि क्षत्रिय को रखा जाता था, वैश्य को, शूद्र को। तो ये जो पार्ट था, ये जो लोग बटे हुए थे, इसी के बिहाव पर क्या निकल के आता है, एक ऊंचा क्लासिफिकेशन निकल के आता है, एक निम्न लेवल का क्लासिफिकेशन निकल के आता है, जहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बैकवर्ड क्लासेस देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर शेड्यूल कास्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर शेड्यूल ट्राइब देखने के लिए मिलता है, जहां पर अनटचेबल देखने के लिए मिलता है, जिसको कि दलित का एक ये था। उसके बाद आप देख सकते हो डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि ये इस क्लास को, जिस क्लास को सबसे ज्यादा रोंदा कुचला क्लास माना जाता है, रोंदा कुचला जात माना जाता है, उसमें से दलित को भी माना जाता था। और उसके अलावा आप देख सकते हो हरिजंस को तो और बुरा माना जाता था, उसको तो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे सोसाइटी में। तो कहने का मतलब है कि ये एंशियन की जो सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था, वहीं से यहां पर ये जो बटा हुआ था, ये जो हायरार्कियल सिस्टम था, ये जो क्लासिफिकेशन था, वहीं से ये चीज निकल के आता है, जहां पर हमारा सोसाइटी हर लेवल पर बढ़ चुका होता है। सिर्फ एजुकेशन देखेंगे तो वहां पर बटा हुआ मिलता है, अगर आप सोसाइटी लेवल देखेंगे, अगर आप पॉलिटिकल लेवल देखेंगे, हर जगह पर बटा हुआ मिलता था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो दलित लोग थे, या फिर जो बैकवर्ड क्लास बोल सकते हैं इनको, या फिर क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट ट्राइब बोल सकते हैं, तो इनको क्या था, इनको किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं थी, चाहे वो एजुकेशन की बात कर लो, चाहे वो क्या कहते हैं कि मंदिर में जाने की बात कर लो, चाहे वो क्या कहते हैं इवन के पानी तक पीने की उनको परमिशन नहीं थी, ठीक है ना। तो ये अगर मैं, ये आप सब जानते हैं, ठीक है ना। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, सिर्फ दलित के बारे में सोसाइटी क्या कहता था, इस एग्जांपल से आप अच्छी तरीके से सारी चीजें याद कर लोगे। देखिए, दलित को यह कहा जाता था कि आपको दिन में चलने की भी इजाजत नहीं है। क्यों परमिशन नहीं है आपको दिन में चलने की, परमिशन क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि यह माना जाता था कि दलित जब दिन में चलेगा तो चलने के बाद में क्या होगा, उसकी जो परछाया है, उसकी जो शेडो है, उसकी शेडो से पोल्यूशन फैलेगा। आप देख सकते हो कितनी गंदी पॉलिसी है, कितनी गंदी सोसाइटी की सोच थी उस टाइम में, यह कहा जाता था। उसके अलावा और भी लाखों करोड़ों बुराइयां थी, जहां पर यह कहा जाता था इनको छूना नहीं है, गंदे से गंदे काम दिया जाता था, है ना, उनको अलग तरीके से रखा जाता था। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं कि किस तरीके से ये जो लोग बटे हुए थे, और किस तरीके से ये ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल क्लास में, ये सब में बटे हुए थे। और ये निकल के कहां से आया है, ये एंशियंट इंडियन सोसाइटी से ये निकल के आया है। तो दलित का डेफिनेशन आपने समझ लिया, अब आपको यहां से पूछा हुआ है कि एजुकेशनल स्टेटस क्या था, दलित का एजुकेशनल स्टेटस क्या है, यानी कि शैक्षिक परिस्थिति क्या है दलित के बिहाव पर, क्या कौन सी परिस्थिति है। देखिए, दलित को हमेशा से हर विभाग से वंचित रखा गया है, क्या रखा गया है, डिप्राइव्ड रखा गया है, वंचित रखा गया, चाहे वो एजुकेशन से डिप्राइव रखा गया, उसके बाद सोसाइटी से डिप्राइव रखा गया, उसके बाद मंदिरों में या फिर किसी चीजों में, कम्युनिटी में, कहीं पर उसको भाग लेने नहीं दिया जाता था, उसको वंचित रखा जाता था, ठीक है। तो यही स्टेटस पूछ रहा है कि किस तरीके से ये सारी चीजें देखने के लिए मिलता है, और संविधान ने क्या किया, और एजुकेशन के बिहाव पर उनको क्या क्या चीजें मिली, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ दलित, ठीक है, यहां पर आप देखिए एजुकेशनल स्टेटस
ऑफ दलित, दलित को किस तरीके से एजुकेशनल लेवल में देखा जाता है। आप जानते हैं कि दलित के का जब भी नाम आता है तो उसमें सबसे बड़ा नाम बी आर अम्बेडकर का आता है, जिन्होंने 1945 में यानी कि 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया, और जिसके बिहाफ पर इन्होंने जो दलित लोग थे, जो ट्राइब लोग थे, जो शेड्यूल क्लास लोग थे, जो बैकवर्ड क्लास थे, उनको पढ़ने की अनुमति दी और उनको पढ़ने की परमिशन दी यहां पर, जबकि उससे पहले उनको पढ़ने की कोई परमिशन नहीं थी। लोग उसको क्लास में बिठाना नहीं चाहते थे, पानी तक नहीं पीने देते थे, उनको चटाई नहीं देते थे बैठने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं 1945 में एक अपना खुद ये खुद से ही पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाते हैं, और जहां पर दलित को पढ़ने के बहुत सारे मौके देते हैं, बहुत सारे रास्ते देते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप इसको पढ़ो कम से कम। उसके बाद देख सकते हैं आप संविधान भी उसके बाद क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करता है। आर्टिकल 46 आप देखेंगे, आर्टिकल 46 पूरा का पूरा इसी चीज को कहता है कि दलित जो है या फिर ट्राइब जो है, जो बैकवर्ड क्लास है, उसको हर तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसकी हर तरह से हिफाजत होनी चाहिए। इसमें जो क्या कहते हैं कि आर्टिकल 46 के सेट फोर्थ में, सेट फोर्थ में पूरा का पूरा जो फोर्थ सेट है, जहां पर आप देख सकते हो 330, 332, 335 से लेकर के 342 तक, यहां देख सकते हो 330, उसके बाद देख सकते हो आप 332, 35 एंड 342 तक आप क्या देख सकते हो कि इन सारे आर्टिकल में दलितों को या फिर बैकवर्ड क्लासेस को किस तरीके से समानता का अवसर दिया जा सकता है, किस तरीके से इनको वंचित भागों से बचाया जा सकता है, क्लासेस से बचाया जा सकता है, ये सारे इस चीज के डिस्कस करता है। ये सारे आर्टिकल्स इसी पर बोला जाता है कि उनको किस तरीके से एजुकेशन देना है, किस तरीके से सोसाइटी में उसको जगह देना है, ये बात करता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि 12 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 12 शेड्यूल है, 12th शेड्यूल जो है, उसमें से जो पांचवा शेड्यूल है और छठा शेड्यूल है, वो पूरा का पूरा किस पर डिस्कस करता है, वो बात करता है दलित या फिर बैकवर्ड क्लासेस पे पूरी तरीके से बात कर सकता है। देखिए 5th एंड 6th शेड्यूल्स are for the welfare of tribal people, ठीक है, welfare of tribal people, यानी कि उसकी भलाई, जो tribe people है, tribal people है, या फिर backward classes है, उनकी जो पूरी तरीके से किस तरीके से हिफाजत होनी है, किस तरीके से education देना है, किस तरीके से उसको क्या कहते हैं कि opportunities देनी है पढ़ाई के लिए, ये सारी चीजें तो कौन बात करता है, आप देख सकते हो 5th and 6th schedule जो है इसकी बात करता है। उसके बाद ये देख सकते हो 5th schedule, आर्टिकल 5th शेड्यूल में आर्टिकल 242(1) पावर ऑफ प्रेसिडेंट और एंड गवर्नेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट। ट्राइबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, वो जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, सपोज दैट वो नहीं चाहते हैं कि वो आपकी सोसाइटी से मिले, वो नहीं चाहते हैं कि आपके सोसाइटी में आकर के रहे, वो नहीं चाहते हैं कि जहां पर वो जंगलों में रहते हैं उनके पेड़ पौधों की वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि खेतियां करते हैं, वो नहीं चाहते यहां आना, ठीक है। तो ये कहता है कि ये क्या कहते हैं 244(1) के कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नेंस को इस चीज का पावर है कि उनका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चीजें दोगे। जैसे कि सबसे बड़ी उनकी जो कमजोरी होती है, क्या होती है, दो कमजोरी होती है, एक जो होती है वो होता है एजुकेशन, और दूसरा होता है उनको क्या कहते हैं हॉस्पिटलाइज, यानी कि हॉस्पिटल को उनको सुविधाएं नहीं होती है, दवाइयां नहीं मिलती है, तो उसके बिहाफ पर उनकी मृत्यु भी बहुत होती है, और जैसे एजुकेशन नहीं है तो वो पुअर भी है, तो पुअर होने के बिहाफ पर उनके यहां पर बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, कैसे कैसे उनके यहां पर रेप बहुत ज्यादा होते हैं, उनके यहां पर क्या कहते हैं बच्चियों को खरीद लिया जाता है, खरीद खरीद के ले आया, तो ये गंदगियां ये बुराइयां भी यहां पर बहुत देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे शिक्षा के नाम पर भी इनके लिए काम किया गया। देखिए ये जो है शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट यानी कि SKP शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के थ्रू से ये जो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट है ये जो है रूरल एरिया में जहां पर ट्राइब लोग ज्यादा है, जहां पर बैकवर्ड क्लासेस के लोग ज्यादा है, वहां पर इस तरह का जो है एक क्या कहते हैं NGO बनाया गया, स्कूल इंस्टीट्यूट बनाया गया, जहां पर इस चीज का सबको मौका दिया गया, उन सारे ट्राइब्स को, बैकवर्ड क्लासेस को, कि आप यहां पर आकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, आप यहां पर आकर के किसी भी तरीके से, और इसका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा, यहां के जो क्या कहते हैं कि वॉलंटियर्स है वो सब इस सब चीजों का खर्चा उठाएंगे, गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाएगा, बस आपको क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी दी जाती है पढ़ाई के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रोजेक्ट KGBVP, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रोजेक्ट बनाया गया। इस कस्तूरबा गांधी में ST को, SC ST को, शेड्यूल क्लास को, ट्राइब को, बैकवर्ड क्लासेस को पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आप लोग
यहाँ पर आकर के पढ़े, आप लोग जो है पूरी तरीके से एजुकेशन लें, और फिर क्या कहते हैं अपनी जो क्या कहते हैं वंचित जो चीजों से जो रखा गया है आपको, क्या कहते हैं ड्राइव्ड रखा गया है, उसको आप समझें, ठीक है ना, उसको पूरी तरीके से समझें और यहाँ पर आकर के आप एजुकेशन को सीखें। तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से एससी एसटी जो क्लासेस थे या फिर ट्राइब जो क्लासेस है, बैकवर्ड जो क्लासेस है, उनके लिए एजुकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया। उसके बाद आप देख सकते हो जन शिक्षा संस्थान, जन शिक्षा संस्थान का मतलब ही समझ सकते हो कि ऐसे शिक्षा जहां जो जो है हर इंसानों तक पहुंचाया जा सके, हर वो इंसान जिनको जो है एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हर वो इंसान जिनको जो है एजुकेशन का के अलावा चीजें नहीं मिल पा रही है, तो वहां पर। लेकिन यहां पर एक चीज और था, यहां पर ये चीज बात करने लगे जन शिक्षा अभियान में, ये बात होने लगी कि नहीं, इन लोगों को क्या करना है, स्किलफुल बनाना है, ऑक्यूपेशनल बनाना है, यानी कि बिजनेस के बिहाव पर भी, ताकि जो है स्किलफुल बनेंगे तो ये क्या करेंगे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे वो अपने हाथों से कमा पाएंगे। तो ये यहां पर होने लगा था कि जन शिक्षा संस्थान में ये चीज रखा गया कि नहीं, जो ट्राइब्स लोग हैं, बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, इनको क्या है हैंड क्राफ्ट भी कराया जाए, इनको हैंड स्किल भी बनाया जाए। तो ये चीजें यहां पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो है संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल सिस्टम आप देख सकते हो, फाइनेंशियल सिस्टम इनका बहुत बिगड़ा हुआ होता है। तो ये कहा गया कि आप ये देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से इनकी हेल्प करेगा, किस बिहाब पर, फाइनेंशियल के बिहाब पर इनको क्या करेगा, क्या कहते हैं कि फ्री के एजुकेशन देगा, फ्री की बुकें इसको प्रोवाइड कराएगा, फ्री के जो इंस्टीट्यूशन है वो इनको प्रोवाइड कराएगा। और ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, ये रिस्पांसिबिलिटी सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होगी। तो ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता था। ऑब्वियसली अगर ये पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, तभी जा करके ये किसी चीज को, पावर को अपने हाथ में लेंगे, तभी इनकी जो हालत सुधर सकती है। तो ये कहा गया कि इनको जो है अरेंजमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर कंपटीशन की तैयारी किया जाए, इनके लिए अलग से बनाया गया कि इनको कंपटीशन की तैयारी करवाया जा सके। उसके अलावा देख सकते हो बुक बैंक बनाया गया। बुक बैंक का मतलब है कि जहां पर मेडिकल की जो बुकें हैं और उसके अलावा जो इंजीनियरिंग की बुकें हैं, इन दोनों बुकें इनको प्रोवाइड कराना है। और ये 5,000 यानी कि 5,000 तक गवर्नमेंट इनको पैसा देती थी, और एक पूरा सेट देता है इंजीनियरिंग का और फिर मेडिकल का एक सेट देता है, उस सेट में 3 बच्चों को पढ़ने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद आप देख सकते हो स्कॉलरशिप अरेंजमेंट। स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि इनको कुछ स्कॉलरशिप भी दिया जाता है ताकि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके, ताकि जो प्राइमरी लेवल में ही खत्म ना कर दे अपनी पढ़ाई करते करते वो ऊपर जाए। जैसे जैसे बच्चा ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो फ्री एजुकेशन। ऑब्वियसली इनके पास पैसा नहीं है, तो इनको गवर्नमेंट ने ये कहा कि इनको पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और उसके अलावा स्कॉलरशिप में इनको हर मंथ में ₹200 देने का क्या कहते हैं कि प्रावधान रखा गया था। उसके बाद आप देख सकते हो रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड पोस्ट, और जितने भी पोस्ट आते हैं, जितने भी क्या कहते हैं कि कंपिटिशन के एग्जाम होते हैं, उनमें इनको जो बैकवर्ड क्लास है इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। और जितनी भी पोस्ट आती हैं, चाहे वो क्या कहते हैं कि टीचिंग की हो, चाहे वो किसी भी तरह की पोस्ट आएगी, उन सब में बैकवर्ड क्लास को क्या कहते हैं कुछ सीटें रखा जाएगा, कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा, कुछ क्या कहते हैं छूट दी जाएगी। तो ये सारे प्रावधान अपनाए गए थे किसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं स्टेटस के लिए। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और ये इनकी जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन है वो बहुत कम मात्रा में है। पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ 16% इनकी क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन है। उसके अलावा 1991 यानी कि 1991 में जब इनका एजुकेशनल दर देखा गया तो वो सिर्फ 30% ही था। आप समझ सकते हो कि 1991 में जब इनका एजुकेशनल सर्वे किया गया तो सिर्फ 30% ही ये चीजें ऐसे लोग थे जो क्या है कि रीडिंग कर सकते थे और राइटिंग कर सकते थे। उसके अलावा आप देखेंगे कि 1995 में सिर्फ 5% ऐसे लोग इनके जो लोग होते हैं वो जाते हैं स्कूल। उसके बाद जो है 1996 में 7% जाते हैं। उसके बाद 97 में 4% जाते हैं। उसके बाद सन 2000 में देखेंगे तो 13%। तो ये जो परसेंटेज है ये धीरे-धीरे से ऊपर नीचे होता रहा। कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें अप्लाई की गई, जैसे कि इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, इनको अरेंजमेंट करा दिया जाए, इनको पैसे दे दिया जाए, लेकिन ये सारे जो चीजें हैं सिर्फ हर चीजें जो है अप्लाई नहीं हो पाई, जिनके बिहाव पर इनको सारे जो सुविधाएं नहीं मिल पाया। तो ये था इनका पूरा का पूरा एजुकेशनल स्टेटस जो आपका पूछा हुआ है, और पूरी तरीके से मैंने आपको समझाया। किसी तरह की क्वेरीज हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।